सिंगर उनका देहांत हो गया है आज। लता दीदी के देहांत से संगीत का, आवाज का एक युग समाप्त हो गया। सदियों सदियों के बाद कभी कभी ऐसे नायक पैदा होते हैं। कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे कपड़े नहीं पहनो जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। सारे गवर्नमेंट स्कूल को फॉलो करना चाहिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया हो। स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत का संविधान है, जिसमें सबको स्वतंत्र तरीके से भोजन की, पहनने की, विचरण की आज़ादी है। ओवैसी जी ने ब्लेम किया है बीजेपी को, जो उन पर मेरठ में अटैक हुआ है, और क्लेम किया है कि उन्होंने हिस्सेदारी की बात की इसलिए उनको शॉट की गोली चलाई गई। अपने हमले को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं श्री ओवैसी। जांच जारी है, जांच के नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है गवर्नमेंट प्रोग्राम सबके लिए हैं और इंडिया एक फोरफ्रंट पे फर्म बिलीवर है इक्वालिटी का। समानता, समता भारत की आदि संस्कृति का हिस्सा है। मोदी जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक किंग है, वो डिसीजन लेते हैं और लेते नहीं। देश की 135 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं। राजा बाप के द्वारा, राजा के द्वारा नामित होता है, प्रधानमंत्री जनता के द्वारा। ABP News आपको रखे आगे।